नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। हरियाणा की 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं में मतदान संपन्न हो गया है। निकाय चुनाव में 70% मतदान हुआ। राज्य भर में हुए निकाय चुनाव में कुल 18,39,455 मतदाताओं में से करीब 13 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। रेवाड़ी में सबसे ज्यादा करीब 85% वोटिंग दर्ज की गई है। सबसे कम करीब 61% पोलिंग झज्जर में दर्ज हुई है। कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। फतेहाबाद, गन्नौर और हांसी में फर्जी वोट डालने को लेकर हंगामा हुआ था। वहीं समालखा में 2 युवकों को हथियार के साथ पकड़ा गया, जबकि पलवल और गन्नौर में मतदान के दौरान हुए झगड़े में करीब 10 लोग घायल हुए। फतेहाबाद में भी 2 निर्दलीय उम्मीदवारों में झड़प हुई। तो देखिए, 3 तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी और रानिया की तस्वीरें हैं। जहां पर सुरक्षा के लिहाज से बात करते हैं तो बेहतर इंतजाम तीनों जगह पुलिस प्रशासन की तरफ से यहां पर किए गए थे। मतदान अब खत्म हो चुका है, मतगणना का इंतजार है और 22 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे। तो ये 4 तस्वीर बहादुरगढ़, फतेहाबाद, गोहाना और नरवाना की तस्वीरें हैं, जहां पर लोगों में आप चारों तस्वीरों में देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्साह वोट को लेकर सबसे ज्यादा यहां पर देखने को मिला है। मतदान को लेकर लोग काफी उत्साहित होते हुए नजर आए थे। ऐसे में समालखा में भी सुबह बरसात देखने को मिली थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में उत्साह कम नहीं हुआ। भिवानी में आप देख पा रहे हैं जहां पर त्रिपाल डालकर लोग पहुंच रहे हैं, छाते का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वोट जरूर डाल ले आए हैं। टोहाना में भी लगातार सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। डब्वाले की बात करते हैं पहली तस्वीर की, तो सुरक्षा के लिहाज से बेहतर व्यवस्था, बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था। यमुनानगर यानी कि दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे और ऐसे में आपको जानकारी दे रहे हैं कि जिस तरीके से कतारें यहां पर लगी हैं तो लगातार वोटिंग परसेंट भी अच्छा रहा है। अब ये 8 तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। गन्नौर, घरौंडा, नारनौल, सडौरा, पुनाहना, करनाल और महम रतिया से ये जानकारी है। आपको बता रहे हैं ये 8 तस्वीर है। इन 8 तस्वीर को देख के आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि जिस तरीके से भारी संख्या में लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में आपको बता दें कि वोटिंग परसेंट इसी वजह से काफी बेहतर रहा है, क्योंकि लोगों में इस चुनाव को लेकर उत्साह लगातार बरकरार बना हुआ था। आपको बता दें कि प्रदेश में 70% से ज्यादा मतदान हुआ है, तो वहीं रेवाड़ी में सबसे ज्यादा 81.3% मतदान, सोहना में 77.7% मतदान, साडौरा में 78.2% मतदान, गोहाना नगर परिषद में 69.3% मतदान, कैथल में लगभग 75% मतदान, नारायणगढ़ में 68.2% मतदान, रानिया में 81.8% मतदान, नांगल चौधरी में 82% मतदान हुआ, नरवाना में लगभग 75% मतदान हुआ। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है, लोगों में चुनाव को लेकर काफी उत्साह दिखा, तो 22 जून को नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। प्रदेश में 70% से ज्यादा मतदान दर्ज हुआ है। टोटल हमारे यहाँ वोटर्स थे 10,513, जिसमें से 8,218 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया जी, और जो लगभग 78.2% रहा और हरियाणा में 3rd highest। तो वहीं हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। मतदान को शांतिपूर्ण तरीके हो इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आए। मतदान के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर निर्वाचन अधिकारी नजर बनाए रखे हुए थे। समालखा में रिटर्निंग अधिकारी अश्विनी मलिक ने वार्ड नंबर 12 के मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। हिसार की बात करते हैं तो उपायुक्त प्रियंका सोनी ने बरवाला में मतदान केंद्र पर बूथों का निरीक्षण किया है। गन्नौर में भी जिला उपायुक्त ललित सचिव ने भी पुलिस अधीक्षक के साथ कुंडली, गन्नौर के मतदान केंद्रों का जायजा लिया। वहीं सोहना की बात करते हैं तो DCP और SDM ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है। निकाय चुनाव को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला है। साडौरा में 105 साल के बुजुर्ग सेवाराम भी मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें कि सेवाराम व्हीलचेयर से वोट डालने आए थे। सेवाराम ने कहा कि उन्होंने अपना वोट विकास के नाम पर डाला है। आपको बता दें कि साडौरा में लोकतंत्र के पर्व में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।